नमस्कार, मैं प्रिया। आज 22 अक्टूबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए पीईटी की तारीख हुई जारी। पत्नी संग गांव पहुंचे बिहार के गुरमीत चौधरी। आज थम जाएगा पांचवें चरण का प्रचार। अपने शहर में नहीं रहने के बावजूद सीबीएसई के छात्र बदल सकते हैं अपना परीक्षा केंद्र। अब आसानी से करें आधार कार्ड में लगी पुरानी फोटो को अपडेट। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए पीईटी की तारीख जारी। केंद्रीय चयन पार्षद ने बिहार पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी की तारीख को जारी कर दिया है, जिसके तहत अब इस परीक्षा का आयोजन 15 नवंबर से शुरू होने वाला है, जो कि बिहार के शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय गर्दनीबाग पटना 8002 में आयोजित किया जाएगा। वहीं अगर हम एडमिट कार्ड की बात करें तो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 25 अक्टूबर 2021 से परिषद की वेबसाइट csbc.bih.nic.in से डाउनलोड किए जा सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल लिखित परीक्षा का आयोजन 3 जनवरी 2021 को किया गया था। इसका रिजल्ट 15 अप्रैल 2021 को जारी कर दिया गया था। बिहार में भी गन्ना मूल्य बढ़ाएगी नीतीश सरकार। उत्तर प्रदेश के तर्ज पर अब बिहार में भी गन्ना किसानों की आय में बढ़ोतरी होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही तरह बिहार सरकार बिहार में भी गन्नों के मूल्य को बढ़ाने पर विचार विमर्श कर रही है। सरकारी अधिकारियों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सब ठीक रहा तो प्रदेश के किसानों को उत्तम गुणवत्ता के गन्ने की कीमत 350 रुपए क्विंटल की दर से मिल सकती है। अभी फिलहाल 315 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को चीनी मिल भुगतान कर रहे हैं। वहीं सामान्य गन्ने की कीमत 340 रुपए प्रति क्विंटल तक हो सकती है। इसको लेकर बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार से गन्ने की नई कीमत का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। सीएम नीतीश के राष्ट्रपति को बिहारी कहने पर गदगद हुए रामनाथ कोविंद। इन दिनों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार के दौरे पर हैं, जिसके तहत ही बीते दिन वो बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल होने विधानसभा पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यक्रम का संबोधन किया, साथ ही कई बातों का जिक्र भी किया। इस दौरान सदन में विमर्श ही संसदीय प्रणाली का मूल है विषय पर व्याख्यान देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जब हमें बिहारी राष्ट्रपति कहकर संबोधित कर रहे थे तो हम अंदर से गदगद महसूस कर रहे थे। इसी बिहार से राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद इन लोगों ने जो विरासत छोड़ी उसी विरासत को आगे बढ़ा रहा हूं। पत्नी संग गांव पहुंचे गुरमीत चौधरी। बॉलीवुड अभिनेता गुरमीत चौधरी इन दिनों अपने गांव में हैं। पिछले दिनों बिहार के प्रवासी मजदूरों के साथ हुई घटना को लेकर उन्होंने कड़ी निंदा की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार के लोग रोजी रोटी के लिए कश्मीर जरूर जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो कश्मीर की सेवा भी करते हैं। कश्मीर ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी बड़ी संख्या में बिहार के लोग रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो दूसरे प्रांतों में रह रहे हैं इनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, लेकिन किसी की जान ले लेना इंसानियत नहीं है। गुरमीत ने खास तौर से बोलते हुए कहा कि बिहार तेजी से विकास कर रहा है, यहाँ प्रगति दिखती है। इसके साथ ही गुरमीत ने पटना के गोलघर का भी मन किया और गांव में अभिनेता का नागरिकों ने अभिनंदन भी किया। देश के लिए मिसाल बनेंगे बिहार के सभी सरकारी स्कूल। बिहार के सभी सरकारी स्कूल आने वाले समय में देश के लिए मिसाल बन सकते हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाने का फैसला लिया है। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को पुरस्कृत किया जाएगा। इतना ही नहीं, सबसे खास बात यह है कि इस पुरस्कार योजना में 100% सरकारी विद्यालयों का ही पंजीकरण किया जाएगा। सरकारी जानकारों की माने तो राज्य सरकार बिहार के विद्यालय में पठन पाठन के अलावा साफ सफाई और पर्यावरण पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार की योजनाएं अगर सफल होती हैं तो निश्चित रूप से सूबे के सभी सरकारी विद्यालय भव्य दिखेंगे और देश के लिए मिसाल बनेंगे। डीआरडीओ में अप्रेंटिस के पदों पर निकाली गई वैकेंसी। डीआरडीओ में अप्रेंटिस के पदों पर नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए अहम सूचना। अगर आप भी डीआरडीओ में नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए यह सुनहरा मौका है। इसके तहत अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 110 पोस्ट पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 50 और टेक्नीशियन डिप्लोमा के पद पर 30 पदों पर नियुक्तियां की जानी है। वहीं ट्रेड अप्रेंटिस के पद 26 पोस्ट पर भर्तियां होनी है। इन पदों के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rac.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। ज्ञात हो, आवेदन की प्रक्रिया अगले महीने नवम्बर में शुरू होने वाली है। वहीं आवेदन की आखिरी तारीख 15 नवंबर 2021 तय की गई है। अपने शहर में नहीं रहने के बावजूद सीबीएसई के छात्र बदल सकते हैं अपना परीक्षा केंद्र।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के 2022 के बोर्ड परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प दिया है, जिसके तहत अब वैसे परीक्षार्थी जो अपने परीक्षा केंद्र को बदलवाना चाहते हैं उनके पास अब ये विकल्प मौजूद है, जिससे परीक्षार्थियों को काफी सहूलियत होगी। ज्ञात हो कई राज्यों में या शहरों में कोरोना संक्रमण के कारण छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे में छात्र अपने मूल स्कूल वाले शहर में नहीं है। ऐसे छात्र अगर चाहे तो टर्म एक की परीक्षा में परीक्षा केंद्र बदल सकते हैं। ध्यान रहे, इसके लिए छात्रों को अपने मूल स्कूल के प्रचार से संपर्क करना होगा और परीक्षा केंद्र बदलने के लिए आवेदन करना होगा। कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। बिहार से मॉनसून ने भले ही विदाई ले ली हो, लेकिन बेमौसम बरसात ने कई जिलों में लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है, जिससे किसान सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अभी बिहार वासियों को हो रहे बेमौसम बरसात से निजात नहीं मिलने वाला है, जिसके तहत आज भी कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत उत्तर बिहार के सीतामढ़ी समेत 7 जिले यानी कि मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर पश्चिमी बिहार के पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में 1 से 2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। उत्तर मध्य हिस्से के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली और शिवहर के अलावा उत्तर पूर्व के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और कटिहार के 1 से 2 स्थानों पर बारिश के आसार जताए। फिर से होगी आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ाई तो यहां बनेंगे आयुष अस्पताल। बिहार के विभिन्न जिलों में जल्द ही आयुर्वेद की पढ़ाई शुरू होने वाली है, जिसके तहत दरभंगा, भागलपुर और बक्सर के आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ाई की शुरुआत की जानी है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही पटना और गोपालगंज में भी आयुष अस्पताल खोलने की योजना के साथ काम किया जा रहा है। इसको लेकर पटना और गोपालगंज में 50-50 बेड की क्षमता के आयुष अस्पताल को स्थापित किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग आयुष पद्धति को बढ़ावा देने के लिए एक साथ कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इसको लेकर 3 आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ाई शुरू कराने के साथ ही विभाग ने पटना सिटी स्थित नवाज मंजिल में भी आयुष अस्पताल के निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी है। पीछे बंद लोगों की हुई काउंसलिंग। विभिन्न आरोपों के कारण बिहार के जेलों में बंद कैदियों को मानसिक तनाव ना हो, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने खास पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत ही बिहार के लगभग 60,000 काराबंदियों की काउंसलिंग का काम किया गया है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत राज्य के जेलों के अंदर मानसिक रोगों से बचाव को लेकर काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई है। इस दौरान जेलों में विशेष शिविर का आयोजन कर सभी बंदियों को डिप्रेशन और तनाव, चिड़चिड़ापन से मुक्ति के लिए मनोवैज्ञानिकों के माध्यम से उपाय बताए गए हैं। इसके साथ ही इस दौरान बिहार के सभी 69 जेलों में अलग अलग मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन किया गया। ज्ञात हो केंद्र सरकार के निर्देश पर सभी जिलों कोविड-19 के कारण होने वाली मानसिक परेशानियों से बंदियों को निजात दिलाने को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। आज तक जाएगा 5वें चरण का प्रचार। बिहार पंचायत चुनाव के 4 चरणों के मतदान के बाद अब 5वें चरण के मतदान को लेकर तैयारियां बिहार में तेज हो गई हैं। वहीं आज शाम तक 5वें चरण का चुनाव प्रचार रोक दिया जाएगा, जिसके बाद 24 अक्टूबर को चुनाव का आयोजन करवाया जाना है। इस चरण में बिहार के सभी 38 जिलों में चुनाव का आयोजन होने वाला है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 5वें चरण में बिहार के 38 जिलों में 58 प्रखंडों में मतदान होगा। चौथे चरण के लिए कुल 93,145 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, जिसमें 43,068 पुरुष है और 50,077 महिला उम्मीदवार शामिल है। बिहार पुलिस के सिपाही अब डायरेक्ट नहीं बन सकेंगे ASI। बिहार पुलिस के सिपाहियों के लिए बुरी खबर सामने आई है, जिसके तहत बिहार सरकार जल्द ही सिपाहियों के प्रमोशन से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है। जारी किए गए नए नियमों के अनुसार अब सभी सिपाहियों को अनिवार्य रूप से पहले हवलदार और उसके बाद जमादार बनना होगा। बिना हवलदार बने अब कोई भी सिपाही सीधे जमादार या ASI नहीं बन सकते हैं। हालांकि अब ये प्रस्ताव बिहार सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं किया गया है। जल्द ही इसको नीतीश कैबिनेट के पास भेजा जाएगा, वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही ये लागू हो जाएगा। हालांकि गृह विभाग ने इस पर सहमति दे दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहले बिना मैट्रिक पास किए भी सिपाही बन जाते थे, लेकिन 2004 से मैट्रिक और 2009 से इंटर पास ही सिपाही बन सकते हैं। बिहार के जमुई जिले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। जमुई जिला बिहार के जमुई जिले का मुख्यालय है। ये जैनों के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। प्राचीन समय में इस जगह को जिम्भू ग्राम और जम्बुबानी के नाम से जाना जाता था। ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से यह स्थान काफी महत्वपूर्ण रहा है। सेंट थॉमस चर्च, गुरुद्वारा, पक्की संगत, मिंटो टावर, जैन मंदिर, धर्मशाला, चंद्रशेखर संग्रहालय और काली मंदिर आदि यहां के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। माना जाता है कि 24वें तीर्थकर भगवान महावीर ने उज्जी हबलिया नदी के तट पर स्थित जम्भू के ग्राम में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की थी। इस जिले की स्थापना गुप्तपाल और चंदेल शासकों ने की थी। जम्मू का संबंध प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत से भी जोड़ा जाता है। अब आसानी से
करे आधार कार्ड में लगी पुरानी फोटो को अपडेट। कई बार आधार कार्ड होल्डर्स के पास आधार पर छपी फोटो भी पहचानने योग्य नहीं होती है। ऐसे में अगर आप भी अपनी फोटो को बदलवाना चाहते हैं तो आप ये काम अब आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप आधार वेबसाइट पर लॉगिन करें, आधार कार्ड फॉर्म भरें और उस पर आधार नंबर लिखें। अपने नजदीकी आधार केंद्र पर जाएं और उसे सबमिट करें। नामांकन केंद्र पर मौजूद कर्मचारी एक फोटो और आधार कार्ड धारक की बायोमेट्रिक जानकारी लेगा। इसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी जिसमें आपका URN होगा। आधार स्टेटस चेक करने के लिए URN का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार कार्ड 2 सप्ताह के अंदर आपके पंजीकृत पते पर पहुंच जाएगा। VTR में आज से शुरू हो जाएगा विशेष टूर पैकेज। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की खुली वादी और प्रकृति का सौंदर्य देखने की पर्यटकों की हसरतों को नई उड़ान जल्द ही मिलने वाली है। पर्यटन विभाग बिहार के पर्यटकों के लिए 22 अक्टूबर यानी कि आज से विशेष पैकेज की शुरुआत करने जा रहा है। शुरू किए जा रहे इस विशेष पैकेज में सैलानियों को वाल्मीकि नगर में 2 रात और 3 दिन रहने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही इस पैकेज के तहत पटना से आज से प्रत्येक शुक्रवार को 2 बसों का परिचालन होगा, जिसके तहत एक बस तो पटना मंगूराह पटना वाया वैशाली चलेगी, वहीं दूसरी बस पटना वाल्मीकि नगर पटना वाया वैशाली चलेगी। इसको लेकर 4500 रुपये प्रति पर्यटक लगने वाले हैं। इसके अलावा VTR में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुए 2 दिवसीय टूर पैकेज भी चलते रहेंगे। इसके अलावा लंबे इंतजार के बाद पर्यटक माँ सीता की स्थली का भी दर्शन कर पाएंगे, जिसके तहत पटना से शुरू होने वाला पहला पैकेज 22 अक्टूबर से 3 दिवसीय और दूसरा पैकेज 23 से 2 दिवसीय का होगा। बिहारी पहचान में हम बात करेंगे भवानी भट्टाचार्य की। भवानी भट्टाचार्य बंगाली मूल के एक भारतीय लेखक थे जिन्होंने सामाजिक यथार्थवादी कथा साहित्य लिखा था। उनका जन्म ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी के भागलपुर में हुआ था। भट्टाचार्य ने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और लंदन विश्वविद्यालय से डायरेक्टर के रूप में उपाधि प्राप्त की। वो भारत लौट आए और राजनयिक सेवा में शामिल हो गए। भट्टाचार्य ने संयुक्त राज्य अमेरिका में सेवा की। सेवा छोड़ने के बाद वो साहित्यिक अध्ययन के शिक्षक के रूप में किस देश में लौट आए? उन्होंने हवाई में और बाद में सिएटल में पढ़ाया। अपने 30वें दशक के मध्य में भट्टाचार्य ने ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से यथार्थवादी संदर्भों में सेट फिक्शन लिखना शुरू किया। उन्होंने 2 प्रमुख साहित्यकारों की सलाह के बाद अपने चुने हुए माध्यम अंग्रेजी में लिखना शुरू किया था। इमारतों की सुरक्षा के लिए आया हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म। राजधानी पटना में आए दिन बहुमंजिला इमारतों के लपटों की चपेट में आने की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन अब बहुमंजिला इमारतों के बचाव को लेकर राजधानी पटना में जल्द ही हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की शुरुआत होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार यह हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म कई खूबियों से लैस रहने वाला है। 32 मीटर ऊंचे हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों से 10 मंजिला तक लगी आग बुझाई जा सकती है। 4.5 करोड़ की लागत में खरीदा गया यह वाहन पूरी तरह से स्वदेशी है। इसके संचालन के लिए दमकल कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों की माने तो इस नए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से विभाग को कार्रवाई में खासी मदद मिलेगी। बिहार के कई जिलों में उत्पन्न हुई बाढ़ जैसी संभावना। बेमौसम बरसात के कारण बिहार और नेपाल के कई इलाकों में पानी घुस गया है। इतना ही नहीं, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात भी उत्पन्न एक बार फिर से होते दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण कई जिलों में बाढ़ के कारण लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा किशनगंज और बेगूसराय में हालत गंभीर है। यहां जल जमाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और कई सड़कें भी जलमग्न हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ किशनगंज में दिघल बैंक प्रखंड के कई पंचायतों में बाढ़ की स्थिति है। सबसे खराब हालत पत्थरघट्टी सिंघीमारी और लोहागढ़ा पंचायत की है। 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा होते ही एनडीए सरकार ने जताई खुशी। बीते दिन भारत ने अपने नाम नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है, जिसके तहत देश ने 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर लिया, जिसको लेकर बिहार में भी खासा उत्साह देखने को मिला। जिसके तहत बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस मुद्दे को लेकर अपना बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि देश ने 1 अरब टीकाकरण का जो ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया है उसकी गूंज वर्षों तक सुनाई देगी। इस सफलता से देश ने पूरे विश्व के समक्ष एक मिसाल प्रस्तुत की है। वहीं इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी खुशी जताई है और जनता का धन्यवाद किया है। सिंह ने उठाई तारापुर की जवाबदेही। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार में लगातार तैयारियां जारी है। वहीं बिहार विधानसभा उपचुनाव में अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलवाने के लिए बड़े चेहरे भी अब मैदान में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में जदयू प्रत्याशी के लिए जीत की मांग कर रहे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तारापुर विधानसभा के संसदीय क्षेत्र के विकास का पूरा दायित्व उठाने की बात कही है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि तारापुर के लोग मेरे अपने और सभी पर पूरा भरोसा है कि इस बार भी एनडीए के हाथ को मजबूत करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते दिन ललन सिंह टेटिया बंबर तारापुर और संग्रामपुर प्रखंड के कई गांव का दौरा करने पहुंचे थे। इस दौरान वो गांव-गांव जाकर लोगों से मिले और एनडीए प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह के समर्थन में वोट मांगे।
तेजस्वी ने दरभंगा में किया जनसंपर्क अभियान। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपना जनसंपर्क अभियान दरभंगा में किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में राजद प्रत्याशी गणेश भारती का चुनाव प्रचार करने के लिए वो वहां पहुंचे थे। यहां तेजस्वी यादव के साथ दरभंगा ग्रामीण से राजद के विधायक ललित यादव और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि वो कुशेश्वर स्थान में राजद प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस सीट से राजद प्रत्याशी को ही बहुमत के साथ जीत मिलने वाली है। आपको बता दें, उपचुनाव के लिए ही प्रचार प्रसार में व्यस्त तेजस्वी बीते दिन राष्ट्रपति के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सके थे। कुशेश्वर स्थान में एनडीए ने शुरू की ऑडियो कैंपेनिंग। बिहार में बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर के तैयारियां जारी है। प्रचार को लेकर अलग अलग हथकंडे भी अलग अलग पार्टियां अपना रही है। इसी बीच कुशेश्वर स्थान में एनडीए ने ऑडियो कैंपेनिंग की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विचारों और काम को हर वोटर तक पहुंचाने के लिए एनडीए ने इस कैंपेन की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधनों के अंश जनता तक पहुंचाए जा रहे हैं। ज्ञात हो, इस ऑडियो कैंपेन में मेरा रंग दे बसंती चोला गाने के बीच बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी शामिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर नीतीश जी जैसा सहयोगी हो तो क्या कुछ संभव नहीं है। नीतीश जी के विकास कार्यों को अगर सभी का सहयोग मिल जाए तो बिहार देश की प्रेरणा बन जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल राष्ट्र को 1962 में समर्पित की गई थी। इसरो ने भारत के पहले चंद्रयान मिशन चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण 2008 में आज ही के दिन किया था। इस मिशन में चंद्रमा पर पानी के होने का पता लगा था। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 1 का सफल प्रक्षेपण 2008 में किया गया था। भारत ने 2016 में कबड्डी विश्व कप आज ही के दिन जीता था। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खां का जन्म 1900 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध हिंदी और उर्दू फिल्म अभिनेता कादर खान का जन्म 1937 में आज के दिन हुआ था। सरदार पटेल के बड़े भाई और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी विट्ठल भाई पटेल का निधन 1933 में आज के दिन हुआ था। वहीं मेवाड़ महाराणा राज सिंह का निधन भी 1680 में आज के दिन हुआ था। इरफान पठान ने चुनी टीम इंडिया की प्लेइंग 11। भारत वर्ल्ड कप में अपने अभियान का आगाज चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ 24 अक्टूबर को करने जा रही है। इस महामुकाबले पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। इसी बीच भारत के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले हाई वोल्टेज मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को चुना है, जिसमें उन्होंने बतौर सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और रोहित शर्मा को चुना है। तीसरे नंबर पर कप्तान विराट कोहली, मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, वहीं ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या के साथ रविंद्र जडेजा को भी टीम में शामिल किया गया है। फास्ट बॉलर्स में इरफान ने जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार, वहीं स्पिन विभाग में वरुण चक्रवर्ती को तरजीह देते हुए अपनी प्लेइंग 11 में उन्होंने रखा है। वहीं उन्होंने इस मैच में ईशान किशन, अश्विन और राहुल चाहर को टीम से बाहर रखा है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 21 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,640 रुपए था। इसके साथ ही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,880 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,500 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 110.19 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 101.19 रुपए प्रति लीटर हो गए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम कुमार, मिस्टर अंजुम, संदीप लकी, रनीश कुमार, भागीरथ कुमार, विपिन कुमार, महेश दास, अरविंद कुमार, सुजीत कुमार चौधरी, सुभाष कुमार, रंजीत कुमार मुखिया, संगीता कुमारी, श्वेता रॉय प्रदीप, श्याम कुमार, गोविंद कुमार, नीतीश कुमार, आनंद झा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार सीबीएसई के छात्रों को परीक्षा केंद्र के चयन में छूट देने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।